तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारी आज की टेक न्यूज में, और दोस्तों मैं आपका होस्ट सचिन भट्ट। तो दोस्तों आज Xiaomi ने अपना लॉन्च इवेंट रखा था जिसमें उन्होंने तीन चीजों को लॉन्च किया है, जो कि दोस्तों उनका एक Mi TV का सेट टॉप बॉक्स हो गया, दूसरा दोस्तों उनका Mi 10 5G हो गया, और दोस्तों तीसरा जो उन्होंने वायरलेस चार्जर लॉन्च किया। तो दोस्तों एक एक करके मैं इनके बारे में आपको बताता हूं और साथ में ही आज की टेक न्यूज दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें दोस्तों जो सेट टॉप बॉक्स टाइप का दोस्तों Mi Box 4 के, दोस्तों ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है, इन्होंने इसको लॉन्च किया दोस्तों 3,500 रुपए में, जिसमें दोस्तों आप कोई भी टीवी, चाहे सिंपल सा टीवी हो, उसको दोस्तों आप स्मार्ट टीवी में बदल सकते हैं, क्रोमकास्ट जैसे फीचर को यूज कर सकते हैं, और दोस्तों साथ में आप टीवी हो उसमें आप 4K वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका जो प्रोसेसर है M-Logic वो दोस्तों काफी पावरफुल प्रोसेसर है, और दोस्तों जिस प्राइसेस पे ये लॉन्च हुआ है दोस्तों काफी अच्छी प्राइस है, क्योंकि दोस्तों इसका जो कॉम्पिटिटर है Amazon का फायर स्टिक वो दोस्तों स्टार्ट होता है 6,000 रुपए से, दोस्तों 2,500 रुपए आपको इसमें कम देने पड़ रहे हैं, और दोस्तों काफी ज्यादा अच्छे अच्छे फीचर्स में आपको देखने के लिए मिलते हैं। साथ में दोस्तों इसमें आपको 108 से ज्यादा एप्स का सपोर्ट मिल जाता है, और दोस्तों गेम्स भी आपको काफी सारे देखने के लिए मिल जाते हैं, Netflix, Amazon Prime कि जैसे बहुत सारे ऐप इसमें आपको प्री इंस्टॉल देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों काफी अच्छा है, और दोस्तों 10 मई को ये दोस्तों सेल पे जाएगा फ्लिपकार्ट से, आप इसको जरूर से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारी अगली टेक न्यूज और दोस्तों दूसरे प्रोडक्ट की तरफ। दोस्तों जो इन्होंने लॉन्च किया है MI ब्रांडिंग के अंदर, दोस्तों इन्होंने अपने 30W वायरलेस चार्जर को लॉन्च कराया है दोस्तों, जिसके अंदर आपको इनबिल्ट फिजिकल फैन देखने के लिए मिलता है, जो कि कूलिंग करने के लिए काम आएगा। तो दोस्तों काफी अच्छा है, और दोस्तों इसकी प्राइस भी दोस्तों 2,000 रुपए रखी हुई है। अगर आपके पास वायरलेस चार्जिंग वाला फोन है और अगर आपको चार्जर चाहिए तो आप जरूर से उसको खरीद सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारी अगली टेक न्यूज की। दोस्तों Redmi 9 Xiaomi के RF एक्सपोजर पेज पर दोस्तों सरफेस हुआ है, और दोस्तों ये इसके बारे में बताते हैं, और दोस्तों इसमें आपको सिंपल 10W चार्जिंग देखने के लिए मिलता है, और दोस्तों प्रोसेसर हो सकता है इसमें MediaTek Helio G80 प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिले। दोस्तों बस इतनी इसके बारे में जानकारी है। दोस्तों जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि पोको सीरीज 12 मई को लॉन्च होने वाली है, और दोस्तों आज ये कंफर्म हो चुका है कि 12 मई को दोस्तों सिर्फ पोको सीरीज लॉन्च होगी, ना कि इनका M2 Pro जो स्मार्टफोन है वो लॉन्च होगा। तो दोस्तों और दोस्तों इसकी प्राइस जो बताई जा रही है, जो दोस्तों पोको F2 Pro हो गई है दोस्तों, आपको 43,000 रुपीज का इंडिया में देखने को मिल सकता है। क्या आप एक्साइटेड है और क्या सोचते हैं दोस्तों आप इनके बारे में, आप हमें कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आज इंडिया में Mi 10 5G लॉन्च हुआ था दोस्तों, वैसे ही जो दोस्तों Realme के CEO माधव सेठ, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि जो उनका Realme X3 है दोस्तों वो एग्जिस्टिंग फोन है, अभी तक हमने सिर्फ इसकी लीक्स के बारे में ही जाना था, पर दोस्तों इन्होंने बताया कि जो ये जो स्मार्टफोन है Realme X3, इसमें आपको 60x जूम का दोस्तों कैपेबिलिटी देखने के लिए मिलता है, जो कि दोस्तों काफी अच्छी बात हो जाती है, और दोस्तों इन्होंने इसमें हैशटैग Realme सुपर जूम लिखा है। तो दोस्तों हो सकता है जो हम दो स्मार्टफोनों की बात कर रहे होते हैं वो दोस्तों Realme X3 ही हमें सिर्फ देखने के लिए मिल सकता है, और दोस्तों इसमें आपको 60x जूम भी देखने के लिए मिल सकता है, और दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि इसमें क्वाड कैमराज होंगे, जिसमें आपको 48MP का प्राइमरी सेंसर देखने के लिए मिलेगा, और दोस्तों फ्रंट में आपको डुअल कैमराज मिलेंगे जो कि 16+2MP का कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो दोस्तों टोटल इसमें 6 कैमराज हो जाते हैं, और प्रोसेसर दोस्तों इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 855+ देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों क्या आप इंटरेस्टेड है और दोस्तों क्या आप सोचते हैं इसके बारे में, आप हमें कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारी दोस्तों आज के हमारे मेन कवर की तरफ। दोस्तों Xiaomi ने आज अपने Mi 10 5G को इंडिया में लॉन्च करा है दोस्तों, जो कि काफी अच्छा स्मार्टफोन है। इसमें आपको देखने के लिए मिलता है दोस्तों 108MP का दोस्तों कैमरा, जो कि काफी बड़ी बात है, साथ में आपको 8MP का दोस्तों अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, जिसमें आपको 123° का FOV देखने के लिए मिल जाता है, और साथ में दोस्तों 2MP का डेप्थ सेंसर और 2MP का मैक्रो सेंसर। दोस्तों ये कि जो कि इस फोन की बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, इतना महंगा फोन, और दोस्तों सिर्फ आपको 2-2MP के इसमें दो कैमराज देखने के लिए मिलते हैं। अगर इसके बदले टेलीफोटो लेंस वगैरह हो जाता तो दोस्तों तब ज़्यादा अच्छा हो सकता था। और दोस्तों बात करें मेन मुद्दे की, तो दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो दोस्तों जो बेस वेरिएंट है 8GB 128GB, वो दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है 50,000 रुपये में। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इसकी प्राइस इन्होंने रखी हुई है। दोस्तों आप क्या सोचते हैं, यहाँ पे पोल में हमें जरूर से बताएगा कि ये फोन आपको ओवर प्राइस लगा या सही प्राइस लगा या न्यूट्रल लगा। दोस्तों आप कौन सा फोन लेना पसंद करेंगे, OnePlus 8 Pro या आप इस फोन को लेना पसंद करेंगे Mi 10 5G को, दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ आज की टेक न्यूज यही खत्म होती है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा, और दोस्तों कमेंट करके हमें अपने सुझाव जरूर से बताइएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों अगर आप मेरे से इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमें सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं, और वहां आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और दोस्तों सोशल मीडिया की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल पे कीजिए, ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मेरे अपलोड करते ही मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय एंड टेक केयर।